कोरोना कर्फ्यू में बेरोजगार होने से व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मुरैना जिले के अंबा थाना क्षेत्र का मामला। अंबा थाना क्षेत्र के परेड चौराहे पर किराए के मकान में रहने वाले हाथ ठेले पर टिक्की बेचने वाला मजदूर लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से परेशान था। मजदूर ने की आत्महत्या। लालू बाथम ने लगाई फांसी। पानी की टिक्की लगाकर करता था परिवार का भरण पोषण। कोरोना कर्फ्यू के चलते बिगड़े हालात। किराए के मकान में रहता था मृतक परिवार सहित। पिछले 6 माह से नहीं दिया था किराया। लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन कर रहा था रोका टोकी। ठेले वाले व आम नागरिक हुए अस्पताल में एकत्रित। मृतक का हो रहा पोस्टमार्टम। प्रशासन के साथ अत्यधिक संख्या में पुलिस बल मौके पर। पुलिस के आला अधिकारी लगे मामले की जांच पड़ताल में। वहीं बताया जाता है कि लालू बाथम ने पुलिस की प्रताड़ना के कारण आत्महत्या जैसा कदम उठाया, परंतु पुलिस के अधिकारी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। तो वहीं कहीं उसको पुलिस वालों ने रोका होगा उसको। तो घर के सामने ही उसका घर है, वहीं रहता है, किराए से रहता है, गरीब आदमी है। तो मुझे ऐसा बताया गया, उसके घर के सदस्यों ने भी बताया है कि पुलिस वालों ने डंडों से मारा है उसको। तो उसने दुखी होकर के ये भी कहा है लड़की ने कि मुझे जहर दे दो, जहर उसको मैं खा करके मर जाऊँ, दुखी होकर के उसने कहा है। फिर यही घटना बताते हैं, फिर वो पुलिस चली गई है वहाँ से। रात हुई है, उससे छुप दो करके उसने रात में फांसी लगा ली, कैद कर दिया। और बड़ी निर्मम उसकी मौत हुई है, गरीब आदमी है। कुल मिला करके मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन जो है इसको करना चाहिए काम, वैसा नहीं कर रहा है। ये साथ में अन्याय कर रहा है जनता के लोगों के साथ में। कोरोना के नाम पर बहुत बड़ा शोषण किया है। मैं इसका तस्मदीद गवाह हूँ, मैं देख भी रहा हूँ। ये काम कम कर रहे हैं, ये अन्याय बहुत कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों, मैं यहाँ कुछ लोगों को लेकर के मैं आया। मैंने कि इसकी इमदाद होनी चाहिए, गरीब आदमी, इसका कोई नहीं धनी दोरी नहीं है। तो यहाँ तमाम साथी हमारे आ गए हैं। तो क्या मांगे रखी है? मांगे उसमें अब उसको ये है कि गरीब आदमी है, उसको कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए। मर तो गई, उसका परिवार का पत्नी है, 2 बच्चे छोटे छोटे। तो एटीएम साहब ने 10,000 रुपये का रेड क्रॉस से, नगर पालिका से 5,000 रुपये भी नगर दिलवा दिए हैं, 15,000 रुपये। बाकी 2,00,000 रुपये उसको एटीएम साहब ने और बोला है कि वो आर्थिक सहायता नगर पालिका से उसको मिल जाएगी। और 40,000 रुपये की लोन बता रहे हैं, ऐसा लोन बताया है। बाकी मैं अभी बाकी मैं इस समस्या को लेकर के मैं एसपी साहब को मिलूंगा उनसे, और आर्थिक सहायता में मैं सीएम से कहूंगा कि सीएम आर्थिक फंड से इनको 2,00,000 रुपए 4,00,000 रुपए की मदद की जाए। मुरैना से सुनील कुशवाहा की रिपोर्ट।